स्वर्गीय मार्कंडेय चंद की पुण्यतिथि के अवसर पर इंदिरा बाल विहार स्थित उनके आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधान परिषद सदस्य सीपी चंद सहित अन्य लोगों ने स्वर्गीय मार्कंडेय चंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में विधान परिषद सदस्य सीपी चंद ने बताया कि स्वर्गीय मार्कंडेय चंद की आठवीं पुण्यतिथि मनाई गई है। उनके आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त कर उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि उनका सपना था कि समाज की जातिगत भेदभाव व ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म किया जाए और सबको साथ लेकर चला जाए, जिसको हम सब मिलकर पूरा करेंगे। इस अवसर पर मुन्ना सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विधान परिषद सदस्य सीपी चंद ने कहा, स्वर्गीय मार्कंडेय चंद पूज्य पिताजी की आठवीं पुण्यतिथि पे यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोग यहाँ एकत्रित होकर के उनकी जो आशीर्वाद है, उनका स्नेह है, उसको हम लोग साझा करते हैं, उनकी स्मृतियों को साझा करते हैं और उनकी जो प्रेरणाएँ थी, उनके जो आशीर्वाद थे, उनके जो उद्देश्य, उनकी दिशाएं थी, उसको हम लोग फिर से एक बार फिर से याद करके, संकल्प लेकर के, शक्ति प्राप्त करके हम लोग अपने उद्देश्य में जुट जाते हैं। अवश्य किया जाएगा। उनका सबसे बड़ा जो सपना था, जो समाज में वैमनस्यता है, जाति का भेदभाव है, ऊंच नीच का जो भेदभाव है, उसको दूर करना और सबको साथ लेकर के चलना, उसी पथ पे हम लोग अग्रसर हैं और उनके ही उस उद्देश्य की पूर्ति के पथ पे हम लोग जो है प्रयासरत हैं। उनके स्मृति में एक संस्थान की स्थापना का संकल्प हम लोगों ने पिछले श्रद्धांजलि सभा में लिया था, उस दिशा में हम लोगों ने काफ़ी प्रगति की हुई है और उस पर निर्माण कार्य जारी है और संभवतः हम लोग अगली पुण्यतिथि उसी संस्थान में हम लोग मनाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मेरी कामना।